मुल्क भर की तरह सांगड़ में 20 कौमी सम्मिलित 3 जबकि सुबह सम्मिलित 6 हल्कों के लिए यहाँ पर पोलिंग का जो सिस्टम थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शुरू होने वाला। बड़े बड़े ध्यान यहाँ पर मौजूद है। सांगड़ के तकरीबन 9 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं आज अपना हक अदाई का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद फैसला होगा कि आने वाला यहाँ का हुक्मरान कौन होगा। सांगड़ के अंदर जो 50 पोलिंग स्टेशन के हवाले बता दूँ कि इस वक्त 744 जो पोलिंग स्टेशन को इंतहाई एहसास करा दिया गया, जबकि 133 को नॉर्मल, जबकि 191 को जो है वो एहसास करा दिया गया, जबकि सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ जहां पर 4025 पुलिस अहलकारों को तैनात करने के साथ साथ 486 रेंजर्स अहलकार और उसके साथ साथ 3186 जो आर्मी के जो जवान है वो अंदर और बाहर यहां पर सिक्योरिटी के सर अंजाम दे रहे हैं। इंतजामी तौर पर देखा जाए तो यहां पर सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस और दीगर जो गश्त जो हमला सिक्योरिटी का हमला वो यहां पर गश्त भी कर रहा है। सोटर जो है दराज इलाकों से आने वाले, सही इलाकों से आने वाले सुबह सवेरे से अपने इंतजार में है, वोट डालने का इंतजार में है। पूरा मत तरीके से यहाँ पर वोट का जो सिलसिला है वो सांगड़ में शुरू हो चुका है, जिसके बाद जो कि बगैर वक्फे के 6 बजे तक यहाँ पर जा रहेगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि आज जहाँ की कौमी असम्बली की 3 और जहाँ की सुबह असम्बली की 3 6 हफ्तों से कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब होते हैं जी।